तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए कुछ स्पेशल जगह में और कुछ स्पेशली खाने वाले, नाम से तुम लोगों को पता लगेगा। तो आज हम आए बवाल बर्गर खाने। तो पीछे वो भाई जो हमारे हैं स्टॉल, वो रेडी कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए। तो हाँ, चलो वीडियो में मिलते हैं आगे में और मैं बताता हूँ कि कैसे क्या बवाल बर्गर खाने बवाल करना। चलो तो ये देखो, फाइनली ये है अपना बवाल बर्गर। टू बी प्रिसाइज इसको बोलते हैं बवाल बर्गर, BABL। चलो नाम में कुछ नहीं रखा, खाने में कैसा है वो देखते हैं अभी। और अगर नॉइज वॉइज आ रहा है तो थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि बहुत ट्रैफिक एरिया है, तो होगा ही। तो चलो टेस्ट करते हैं ट्रूथ ऑफ द मोमेंट कैसा टेस्ट करने वाला है। मेनली इसमें मोमो का डोमिनेटिंग फ्लेवर आ रहा है, मोमो ज़्यादा फील हो रहा है। और लास्ट में जाके वो अपना मियोनीस लास्ट में, हाँ रख दीजिए हम खाते हैं। तो लास्ट में इसका जो है वो पैटी का फ्लेवर आ रहा है, और वो पैटी है चिकन का, ठीक है। तो चिकन पैटी का फ्लेवर आ रहा है, मियो का बहुत डोमिनेटिंग फ्लेवर है और मज़ा तो बहुत आ रहा है। मतलब 80 रुपये में हमें बर्गर किंग में क्या मिलता है, क्या मिलता है 80 रुपये में बर्गर किंग में? हाँ बर्गर किंग वाले दान 80 रुपये में, मतलब ये जो मिल रहा है ना बहुत वर्थ है, सही है। तो अगर मतलब मान लो रिव्यू की बात कर लो तो ये ओवरऑल ठीक ठाक था। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी ना, तो फ्लेवर मतलब इतना ज़्यादा किसी का डोमिनेटिंग नहीं आ रहा था। पहले मुझे मोमो का फ्लेवर आ रहा था, फिर बस मेयोनीज और चीज़ का फ्लेवर आ रहा था। बट अगर प्राइस देखो जो ये लोग ले रहे 80 रुपीज़, उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इस प्राइस में बर्गर किंग में जो मिलता है या KFC में जो मिलता है उसके आसपास, मतलब इसके आसपास भी नहीं होता जो ये यहाँ पे ये लोग सर्व कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे जज करो तो बहुत अच्छा था। बट हाँ, इसमें अगर वो मेयोनीज का फ्लेवर बहुत डोमिनेटिंग था और थोड़े अगर मसाले होते तो मज़ा आ जाता। तो अब अमन बताना कैसा लगा। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, राइट साइड राइट साइड। कैसा था, कैसा था खाने में? बवाल। अच्छा, जैसा है इसका नाम, हाँ वैसा उसका काम। अच्छा, बवाल है। क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें इतनी सारी ये थी, मतलब पहले बात तो ये बात कि मेरे वाला बर्गर में ये वो वाला बंदा है जो याद है ना, चीज देख के पूरा फूल जाता है, ये वो वाले लोग हैं। तो इसको चीज बहुत पसंद है। तो और फिर आगे तो ये चीज इसका अच्छा है, और इसमें और एक अच्छा चीज है कि इसमें जो बर्गर में है ना, हाँ ये लोग मोमो अलग से डालते हैं। हाँ वो वाला स्टफिंग देते हैं, वो मोमो अलग से, मैंने वही बोला स्टफिंग जो करते हैं प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। हाँ वो यूनिक है, यूनिक से मैं बोल रहा हूँ, अगर टेस्ट वाइज तो अच्छा है ही, प्लस इसका जो स्टफिंग करने का जो यूनिकनेस है वो भी अच्छा है। यूनिक है तभी तो इधर आए हम सुन के, इतना वही यूनिक है इसीलिए तो आए। श्रेयसी कैसा लगा बर्गर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये तो आती भी नहीं है स्क्रीन में, कहाँ नहीं। हाँ कैसा लगा? अच्छा लगा, टेस्टी था, बस खत्म। तो चलो खाना वाना हो गया है, तो अब क्या करते हैं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, शायद कुछ अभी करने को है नहीं है, सोते हैं। तो अभी बहुत जल्दी वो एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, शायद वो हम जाएंगे कुछ मोमो वोनो मोमो वगैरह खाने, वहाँ पे अनलिमिटेड मोमो मिल रहा है, चैलेंज भी है, तो वहाँ शायद हम बहुत जल्दी जाने वाले। तो ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टिल देन सी या बाय।